प्रेगनेंसी के दौरान आपको सोनोग्राफी कब करवानी चाहिए? सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही आपको सोनोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि बच्चा बच्चेदानी में है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको 3 महीने के अंदर सोनोग्राफी करानी होती है, जिससे बच्चे का सही विकास का पता लगे और कोई मेजर एबनॉर्मलिटी बच्चे में है तो उसका सही समय पर निदान हो सके। तीसरे नंबर पर आपको 20 हफ्ते के जस्ट पहले आपको सोनोग्राफी करानी है, जिसको लेवल 2 सोनोग्राफी कहते हैं। इसमें आपकी बहुत डिटेल से सोनोग्राफी होती है, ताकि बच्चे की माइनर एबनॉर्मलिटी अगर कुछ है, कुछ विकलांगता है, तो उसका पता लगाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आता है आपको 7वें महीने में सोनोग्राफी करानी है, जिससे बच्चे के सही विकास का पता लगाए कि बच्चा सही ढंग से बढ़ रहा है या नहीं। 5वें नंबर पर आपको 9वें महीने के शुरू में सोनोग्राफी करानी है, जिससे बच्चे की पोजीशन, बच्चे का वजन, आंवल नाल की परिस्थिति, इन चीजों का पता लगाए, जो आपकी डिलीवरी का डिसीजन लेने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी समस्याएं आती है, जैसे ब्लीडिंग होना, बच्चा नहीं घूमना, या पानी छूट जाना, या और भी कंडीशन जिसमें आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट सोनोग्राफी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और हमें वह उस समय ये सोनोग्राफी करवानी चाहिए।